કેમ છો? બધાને નૂતન વર્ષ અભિનંદન. મને ગુજરાતી મેં વાત કરું સમજ નથી આવો છે. આવડે છે? નથી આવડે છે. સમજ પડી ગઈ છે, બધા સમજ પડી ગયું છે. હિન્દી સમજ મેં આતા ને સબકો? હા, બહુ બઢિયા. હર સાલ ગુજરાત હમકો દિવાળી મેં ખીંચી લેતા હૈ. હમ કહી ભી રહે દુનિયા મેં, ગુજરાત મેં દિવાળી કા યે કૈસા બન ગયા આદત. તો ઇસ બાર હમને કહા હમ પાલનપુર જાયંગે, ઉપર નોર્થ ગુજરાત જાયંગે, ઉત્તર ગુજરાત મેં. કઈ 20 સાલ સે લોગ યહાં સે આતે રહે, બેંગલોર મેં ભી ઓર અહમદાબાદ અન્ય જગહ પર, ઓર હમકો બુલાતે રહે ગુરુદેવ કબ આ રહે, પાલનપુર કબ આયેંગે, મહેસાણા કબ આયેંગે ઇધર. સો મને કહા આયેંગે આયેંગે, મગર ઇસ બાર જબ ભી આતે થે ગુજરાત વહાં સે નિકલ જાતે થે, અહમદાબાદ સે, બરોડા સે, સુરત સે, કભી રાજકોટ સે, યહાં ઇસ બાર સોચા ઇસ પર આયેંગે. તો આપ લોગો કા પ્રેમ યહાં હમકો ખેંચ કે લેકે આયા. શ્રીમદ ભાગવત મેં કહેતે હૈ ભક્તિ તમિલનાડુ મેં પૈદા હુઈ, કર્ણાટક મેં પલી પોસી, ઓર ગુજરાત આકે બડી હો ગઈ. સુના હૈ ના? સુના. ભક્તિ કી લહેર જબ તક હમારે દેશ મેં નહીં ઉઠેગા, તબ તક હમે સુખ સમૃદ્ધિ નહીં પ્રાપ્ત હોગી. આર્થિક ઢંગ સે હમ આગે બઢ સકતે, મગર જીવન મેં સુખ મિલના હો વો અધ્યાત્મ કી લહેર સે હી હોગા. તો વો અધ્યાત્મિક લહેર ત્યોહારો સે ઉઠતા હૈ હમારે દેશ મેં, ઇસીલીએ હર મહિને કુછ ના કુછ ત્યોહાર હૈ. જન્માષ્ટમી, પછી નવરાત્રા, ઉસકે બાદ દિવાળી આ ગઈ. અભી ઇસ તરહ સે હર મહિને કુછ ના કુછ ત્યોહાર મનાતે મનાતે હમ જીવન બિતાતે આયે હૈ. યે ભારતીય સંસ્કૃતિ કી વિશેષતા હૈ. અન્ય દેશો મેં સાલ મેં એક યા દો ત્યોહાર હોતે હૈ, હમારે દેશ મેં હર મહિને કઈસ ત્યોહાર હોતે હૈ કે નહીં? હા, હોતે હૈ. ઓર ત્યોહાર મનીને મનાને કા ભી તરીકા હૈ. તો જબ વેદ મંત્ર સુનતે હૈ ઉસસે ઉર્જા જાગતી હૈ હમારે ભીતર. ઉર્જા જાગતી હૈ તો મન પ્રસન્ન હો જાતા હૈ, ચિંતાએ મિટ જાતી હૈ. હા, યે જરૂરી હૈ, તમે ઇસ બાત પર ધ્યાન દેના જરૂરી હૈ કે સ્વાસ્થ્ય ઠીક રહે. સબસે પહેલે સ્વાસ્થ્ય, સ્વાસ્થ્ય ઠીક રહેગા. યે આરોગ્ય લક્ષ્મી કહેતે, આરોગ્ય ભી મહાલક્ષ્મી કા રૂપ હી હૈ. પ્રકૃતિ, હમારે ભીતર જો પ્રકૃતિ હૈ વો દેવી કા રૂપ હૈ. તો હમારે પ્રકૃતિ ઠીક રહે, હમારા સ્વાસ્થ્ય ઠીક રહે, ઇસ પર હમે કામ કરના. ફિર મન ઠીક રહે, મન મેં નફરત ન હો કિસી કે પ્રતિ, મન મોટા પાવરે કે જીના બડા દુભારી લગતા હૈ ના? કિસી કે બારે મેં સોચો, કિસી કે બારે મેં
मन में गुस्सा बना रखे रहो तो तबीयत बिगड़ जाती है. तो इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए. वो अध्यात्म की लहर से, अध्यात्म ध्यान से, भजन से, सत्संग से ये दूर होता है. ये मुख्य बात है. सो नवा वर्ष अभी मनाने जा रहे हैं हम लोग. नववर्ष से पहले पुरानी सारी बातों को छोड़ें. क्या पुरानी बात माने? पुरातन बात नहीं है, सनातन पुरातन सिद्धांतों को नहीं छोड़ना. मन में जो मन मोटापा है, पुरानी तनाव है, चिंता है, वो सब छोड़े. और सब छोड़ कर विश्राम करना और प्रसन्न हो जाना. आप हमारे वैदिक पंडित लोग हमेशा बोलते हैं शुक्लाम वरदरम विष्णुम, शुरू ही करते हैं शुक्लाम वरदरम विष्णुम शशि वर्णम. चांद जैसे शीतल और सफेद वर्ण वाले चतुर्भुज प्रसन्न वदनम, वो प्रसन्न वदन, प्रसन्न जिसका चेहरा इतना प्रसन्न है, ऐसे चेहरे को याद करो, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं. क्या? प्रसन्न वदन को याद करते ही सारे विघ्न. प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्ति. आपके घर में छोटा नन्ना मुन्ना बालक है, प्रसन्न चित्त वाला बालक है, उसको याद करो, तब भी तुम्हारे मन में खुशी उमड़ती है. और जिसका भी चेहरे में प्रसन्नता है, खुशी है, वो याद करोगे तो तुम्हारे भीतर खुशियाँ बढ़ेगी. और तुम ऐसे व्यक्ति को याद करोगे जिसके भीतर नाराजगी है, गुस्सा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तुम अंदर सिकुड़ने लगते हो, चिंता बढ़ जाती. होता है कि नहीं? होता है ना. तो प्रसन्न वदनम ध्यायेत. सिर्फ एक तस्वीर देख के ही नहीं, चित्र देख के ही नहीं. विष्णु माने जो सत्ता हर कण कण में व्याप्त है, वो ही विष्णु. हमारे भीतर बाहर सब जगह एक चैतन्य शक्ति है, वही विष्णु तत्व है. जैसे रसगुल्ले में, रसगुल्ला चाशनी में होता है ना, चाशनी में, और रसगुल्ले के कण कण में चाशनी होती है कि नहीं? ऐसे ये समझो हमारा शरीर रसगुल्ला है और जो ईश्वर है चाशनी है, उस चाशनी में मैं हूँ समझ के तुम जब विश्राम करोगे, प्रसन्नता शरीर के कण कण से उभरेगा. जब ऐसी प्रसन्न हो जाओगे अंदर से, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो बात याद रखनी पड़ेगी. एक तो जो चिंता है ये फिजूल है, ये किसी काम का नहीं, ऐसा करके उसको फेंकना पड़ेगा. क्यों? पहले भी चिंता किए हैं मगर अभी भी हम जिंदा हैं. पहले भी हमने चिंता किया है, बेकार लगा बाद में, अभी भी हम जिंदा हैं, पूरा है. और चिंता करने से कुछ काम तो होता नहीं. तो चिंता छोड़ने की कला आ जाती है और चिंता न करने की कला भी आ जाती है उससे. फिर दूसरी बात है, हमारे लिए तो कोई है वो हमारी जरूरतें पूरे करेंगे. हमारे लिए अपना इष्ट हमारे लिए कोई है, हमें जो चाहिए वो देंगे ही हमको, इस तरह का दृढ़ विश्वास. ये दो बात हो जाए तो चिंता मिट जाएगी. तो प्रसन्नता सहज ही हमारे भीतर उदय हो जाता है. ठीक है ना. तो हम लोग 10 मिनट ध्यान करेंगे.
ध्यान करना है सबको, ध्यान करते हैं और उसके बाद और भी भजन करेंगे और थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, बातें करेंगे। प्रतिनित्य आप थोड़ी थोड़ी देर बैठ जाओ, 10 15 20 मिनट बैठ के, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ईश्वर चाशनी है, मैं रसगुल्ला हूँ, मैं मधुर हूँ, मेरा मन मधुर है, मेरा शरीर मन तन मन सब कुछ मधुरता में पूरी तरह से ओत प्रोत है। यही समझ के बैठोगे तो काम हो जाता है, ध्यान लगने लग जाता है। फिर ये सोचो कि कोई भी मंत्र आप जो पढ़ते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, जय माँ दुर्गे, या अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते, गायत्री मंत्र पढ़ते, कोई भी मंत्र पढ़ते, तो इस मंत्र का तरंगों को हमें मैं अनुभव करना चाहिए। मंत्र क्या है? सिर्फ तरंग है, वो अतार्किक है। अतार्किक माने तर्क से परे है, और वो सभी काम करते हैं। हमारे जीवन में काम नहीं होता हमारा, इसका अर्थ है कहीं मंत्र से मंत्र नहीं किया हमने, मंत्र शक्ति को हमने माना नहीं, जाना नहीं। थोड़ी देर बैठ के आप ओम नमः शिवाय बोलो, 10 मिनट अब ओम नमो नारायण बोल दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र बोलेंगे, 10 मिनट गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, सुनेंगे, तो इससे बहुत लाभ होता है। आजकल दुनिया में अलग अलग देशों में भी कीर्तन का बड़ा महत्व लोगों ने रिकग्नाइज किया, पहचाना। आप देखेंगे, आप न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क कई जगह है, वहाँ सिर्फ शाम को कीर्तन सिखाते और गाते हैं लोग, विदेशी लोग बैठ के वहाँ कीर्तन करते हैं। हम थोड़ा शर्माते हैं कीर्तन वगैरह करते नहीं, हमें भी करना चाहिए। जब यहाँ भजन होता है ऐसे बैठ के देखो मत, आप भी साथ में गाओ, कोई चिंता नहीं, सुर और बेसुर कोई भी सब चलेगा। क्या सुन रहे हो? हाँ, इतना करोगे तो आप खुद दीप बन जाओगे। भगवान बुद्ध ने ही कहा, अप दीपो बाबा, तुम बत्ती और तेल को लगा के दिया जलाते हो, वो तो ठीक है बाहर का रोशनी आता है, मगर तुम्हारे जीवन में रोशनी आना, तुम्हारे भीतर रोशनी जगना, तुम खुद दिया बन गए हो, ये समझो। तुम खुद दिया बन जाओ, जो भी तुम्हारे आसपास आए उन सबको रोशनी मिले, किसी को अंधकार ना मिले, सबको रोशनी मिले तुम्हारे पास जो भी आते हैं, ये भगवान बुद्ध ने भी बोला। ठीक है, तो अभी हम लोग ध्यान करेंगे थोड़ी देर, और बाद में आप लोग घर में भी कर सकते, अपना एक ऐप भी है, ये सब स्क्रीन में बताएंगे कैसे डाउनलोड करना करके, तुम अपने घर में भी बैठ के, गुजराती में भी है सब भाषा में। ध्यान करने से शरीर ठीक रहता है, मन ठीक रहता है, बुद्धि तेज होती है, और हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के साथ अपने आप अच्छे होने लगते हैं, और हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है, जो चाहते हैं वो सहज ही वो काम होने लगता है। ये सब लाभ है, लाभ ही लाभ है, इसलिए सबको ध्यान करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आराम से बैठते। अच्छा, बीच में नहीं उठेंगे, हाँ अभी 10-15 मिनट हम ध्यान करेंगे, बीच में उठोगे ना सबको तकलीफ होगी, आपके आजू बाजू में जो बैठे हैं उनको भी तकलीफ होगी, वो नहीं करना है, हाँ?
आप 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करते हैं, रीड की हड्डी सीधा रखें, शक्य हो तो मोबाइल साइलेंट ऊपर रख जो थोड़ी बार। हाँ, मोबाइल सब बंद कर दें, मोबाइल उठाए उसमें रेड बटन है वो दबाए। रीढ़ की हड्डी सीधा रख के गहरी सांस लेंगे और धीरे से मुंह से छोड़ेंगे। फिर एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे फूंक मारते हैं इस तरह से छोड़ेंगे। फिर एक गहरी सांस लीजिए, आंख बंद कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने ही शरीर के प्रति सजग हो जाएं, आपका अपना शरीर एक अद्भुत उपहार है ईश्वर से मिला हुआ, और ये शरीर भगवान का ही है, अपना नहीं। शरीर के चारों ओर वायुमंडल है, 200 मील दूरी तक ऊपर और चारों ओर, हजारों मील दूर दूरी तक, हजारों मील दूर तक हवा है, वायुमंडल है, इसका स्मरण करें। जैसे जल में मछली, वैसे हवा में हमारा शरीर है। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर एक गहरी सांस लीजिए। अब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओ
जो भी विचार मन में आ रहे हो आने दें, वे अपने आप निकल जाते हैं। सिर के चोटी पर अपना ध्यान ले जाएं। सिर के ऊपर विशाल गगन है, इसका स्मरण कर। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए। और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़े। जिसे हवा हमारे भीतर बाहर व्याप्त है, ऐसा ही परमात्मा भी, ईश्वर भी हमारे भीतर बाहर कण कण में व्याप्त है। एक मिनट के लिए इस भाव से विश्राम करें। शरीर के कण कण और मन के कोने कोने में ईश्वर है, अभी है। इस धारणा के साथ विश्राम करें।
ना कुछ करना है ना ही कुछ जानना है इस वक्त, केवल विश्राम। पद्मासनस्थिते परब्रह्मस्वरूपिणि परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमो। ऐसा महसूस करें शरीर के कण कण में मुस्कान उतरने लग गया है, से शरीर के एक एक कण मुस्कुरा रहा हो। सारी पीड़ा धुल गई, प्रसन्नता छाने लग गई। पद्मासन स्थिति देव परब्रह्मस्वरूप परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते एक और गहरी सांस लीजिए। और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ते वक्त आंखें खोल सकते हो। अच्छा लगा? 20 मिनट हो गया भाई, 19 मिनट बोल रहे हैं प्रज्ञेश भाई, पता नहीं चला ना कितने लोगों को पता नहीं चला 20 मिनट का ध्यान। देखो बढ़िया, ठीक है फिर। हाँ अभी क्या क्या बजा, अभी टाइम क्या हुआ? 7:40। अंबाजी धाम
से आर्ट ऑफ लिविंग परिवार और माँ अंबाजी धाम से गुरुदेव का स्वागत के लिए माँ जगदम्बा की चुनरी और उनका फोटो से गुरुदेव का स्वागत आगमन करेंगे। माँ अंबाजी धाम आर्ट ऑफ लिविंग परिवार अंबाजी तरफ थी गुरुदेव नु स्वागत, माता जी नी चुंदड़ी अने माँ जगदम्बा ना फोटा थी थई रह्यो छे। आपणे बधा ताली थी वधावी लईए। जगदम्बे सुखदायिनी अंबाजी धाम तथा आर्ट ऑफ लिविंग अंबाजी परिवार गुरुजीनु माताजीनी मूर्ति तथा माताजीनी चुंदड़ी साथे स्वागत करी रहा छे। अंबे माँ जगदम्बे सुखदायिनी माँ मन मोहिनी माँ जय जय 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 माँ जय जय
Oh,
You.
Jai Radha Raman Hari Bol, Jai Radha Raman Hari Bol, Jai Radha Raman Hari Bol.
Thank you.